क्या 2023 में 2007 वर्ल्ड कप वाला ही होगा हाल? कोच के प्रयोगों से भारतीय टीम बेहाल। आर अश्विन ने कहा कि वर्ल्ड कप जीत गए तो ठीक, वरना हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए। हर दिल में एक ही सवाल, विराट कोहली को लगातार ड्रॉप पर क्या साबित करना चाहता है टीम मैनेजमेंट? वर्ल्ड कप के इतने नजदीक आकर हर सीरीज में एक नया कप्तान, ऐसे कैसे विश्व विजेता बनेगा हिंदुस्तान? क्या राहुल द्रविड़ की कोचिंग में टीम इंडिया 2007 वर्ल्ड कप वाला प्रदर्शन दोहरा सकती है? 2007 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया लीग स्टेज से ही बाहर हो गई थी। उस वक्त ग्रेग चैपल टीम इंडिया के हेड कोच थे और राहुल द्रविड़ कप्तान। तब भी इसी तरह टीम इंडिया में उथल पुथल का दौर चल रहा था। आर अश्विन ने कहा कि हमें 2023 के आखिर में होने जा रहे वनडे विश्व कप के लिए टीम इंडिया को शुभकामनाएं देनी चाहिए। अगर हम जीत जाते हैं तो बहुत बढ़िया, वरना हमें इस वर्ल्ड कप के बाद मूव ऑन कर जाना चाहिए। अब ये मूव ऑन वाली बात परेशान करती है। क्रिकेट फैंस के लिए ICC ट्रॉफी क्या मायने रखती है ये बताने की जरूरत नहीं है। 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने अंतिम बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद से हम तरस कर रह गए। लीग स्टेज सेमीफाइनल और फाइनल तक में पहुंच कर टीम इंडिया को शिकस्त नसीब हुई। अब की बार 2011 की तरह वर्ल्ड कप हिंदुस्तान के सरजमी पर खेला जा रहा है। भारत के पास खिताबी जीत हासिल करने के लिए इससे सुनहरा मौका दूसरा कोई नहीं हो सकता। पर वर्ल्ड कप से ठीक पहले इंडियन टीम मैनेजमेंट ने म्यूजिकल चेयर खेलना शुरू कर दिया है। 46 वनडे शतक लगा चुके विराट कोहली और 30 ODI सेंचुरी जड़ने वाले रोहित शर्मा को व्हाइट बॉल क्रिकेट से दूर किया जा रहा है। भारत वेस्टइंडीज जैसी कमजोर गेंदबाजी आक्रमण वाली टीम के खिलाफ पहले T20 में 150 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के दौरान 12 साल में सिर्फ 6 मैच रेस्ट करने वाले विराट रोहित की कप्तानी के बाद 1.5 साल में 25 मैच रेस्ट कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान के सबसे फिट क्रिकेटर को इतने मुकाबलों के लिए रेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? इस सूरत हाल में विराट कोहली का 100 इंटरनेशनल सेंचुरी जड़ने का सपना और भारत का वर्ल्ड कप जीतना संकट में पड़ सकता है। T20 इंटरनेशनल से तो अब विराट को हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया गया है। ये वही विराट है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में 31 रन पर 4 विकेट खो चुकी टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ अकेले दम पर 160 का टारगेट चेस करवा दिया था। नए मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने युवा T20 टीम बनाने का इशारा कर दिया है। वनडे वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले लगातार एक्सपेरिमेंट्स का दौर जारी है। अलग अलग सीरीज में अलग अलग कप्तान टीम इंडिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। कहीं रोहित, कहीं हार्दिक तो कहीं जसप्रीत बुमराह। वर्ल्ड कप के इतने नजदीक आकर हर सीरीज में एक नया कप्तान, रोहित गांगुली से लेकर कपिल देव तक विराट कोहली को लगातार हर फॉर्मेट की टीम में खेलता हुआ देखना चाहते हैं। पर चयनकर्ताओं के कानों पर जू नहीं रहेंगी। आपको शायद यकीन नहीं होगा, 22 मार्च 2023 के 163 दिनों के बाद विराट कोहली सीधा एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे खेलने उतरेंगे। विराट कोहली ने 22 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खत्म हुई ODI सीरीज के बाद से ही एक भी वनडे मैच नहीं खेला। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 2-1 से ODI सीरीज जीत ली। अब टीम इंडिया को वनडे क्रिकेट सीधे 30 अगस्त से एशिया कप में खेलना है। इस टूर्नामेंट में 2 सितंबर को टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी। यानी अब सीधे विराट कोहली उस महामुकाबले में ही नजर आएंगे जिसमें पूरे 1 महीने तक वक्त बाकी है। विराट को टीम में न चुने जाने के सवाल पर टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि विराट चैंपियन प्लेयर हैं और उन्हें बहुत ज्यादा मैच प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। हकीकत ये है कि 86 ODI शतक जड़ चुके विराट वर्ल्ड कप से पहले वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 शतक पूरे कर लेते तो वो अलग अंदाज में इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाते नजर आते। इस तरफ विराट को T20 इंटरनेशनल से पहले ही ड्रॉप कर दिया गया है और अब वनडे मैचों में भी लगातार अवसर नहीं दिया जा रहा है। पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने भी विराट के T20 खेलने की हिमायत की थी, पर विराट को T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद से इस फॉर्मेट का एक भी मैच खेलने नहीं दिया गया। विराट कोहली को लेकर टीम मैनेजमेंट का ये रवैया समझ नहीं आ रहा। क्या आपको भी लगता है कि विराट कोहली पर भारत को वर्ल्ड कप जिताने का दारोमदार है, उसके साथ गलत किया जा रहा है, इसलिए भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब संकट में पड़ सकता है? हमें इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा।